मौजूदा सरकार में दलितों के साथ होने वाली घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। सरकार वैसे तो दलितों के अधिकारों की बात करती है, परंतु सच्चाई लोगों के सामने है। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार समाज में किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ रही है। मौजूदा सरकार समाज में हर तबके के लोगों के विकास की बातें करती है। इसके साथ साथ सरकार हर समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की भी बातें करती है, लेकिन सरकार के इतने दावे करने के बाद भी दलितों के साथ होने वाली घटनाओं में बढ़ोतरी होना सरकार की विफलता को दर्शाता है। हाल में ही एक सर्वे से पता चलता है कि गुजरात में दलित के साथ होने वाली घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। बता दें कि गुजरात मौजूदा प्रधानमंत्री का गढ़ भी माना जाता है। अब ऐसे में इस राज्य में किसी एक समुदाय के लोगों के साथ घटनाओं में बढ़ोतरी होना वहां के प्रशासन पर सवाल उठाता है। राज्य में ऐसी घटनाओं के लगातार होने से यह पता चलता है कि राज्य सरकार जानबूझकर इन घटनाओं को अनदेखा कर रही है। इसी प्रकार एक बार फिर गुजरात से ही दलित के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना गुजरात के पाटन की है, जहां 17 वर्षीय दलित छात्र को पेड़ से बांधकर उस पर शारीरिक बल का प्रयोग करके उसको परेशान किया जाता है। घटना तब की है जब छात्र अपनी परीक्षा के लिए सेंटर के बाहर इंतजार कर रहा था, तभी एक शख्स उसे किसी काम के बहाने से सेंटर से दूर लेकर गया। इसके बाद आरोपी पीड़ित छात्र को अपनी साथी के बाइक पर बिठाकर ले गया और पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की। फिलहाल छात्र मेहसाना के अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज जारी है। अब हम आपको इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल दलित छात्र के साथ हुई यह घटना गुजरात के पाटन जिले में चाड़स्मा तालुका के गोराड गांव की है, जहां 18 मार्च को दलित छात्र मित कुमार नरेश भाई चावड़ा अपने इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के लिए सेंटर के बाहर खड़ा था। तभी दो लोग उसे बाइक पर खेत में ले गए और उसको पेड़ से बांध दिया। पीड़ित ने इस मामले को कुछ इस प्रकार कहा, मैं सार्वजनिक विद्या मंदिर हाई स्कूल में स्टेट ट्रांसपोर्ट बस के करीब 1 बजे पहुंच गया था। मैं वहां इंतजार कर रहा था, तभी वहां गौरव पटेल स्टेट ट्रांसपोर्ट बस का कंडक्टर आया और बोला कि उसे मुझसे कुछ काम है। यह बात बोलकर वो मुझे सेंटर से थोड़ी दूर लेकर गया, जहां बाइक पर उसका एक साथी इंतजार कर रहा था। इसके बाद दोनों मुझे गोराड गांव के एक फार्म पर लेकर गए। पीड़ित की मां तरुणा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि रास्ते में उसके बेटे ने कहा कि उसका एग्जाम छूट जाएगा, उसे जाने दे, लेकिन दोनों आरोपियों ने कहा कि वो उसकी चिंता ना करे, वो एग्जाम शुरू होने से पहले उसे सेंटर छोड़ देंगे। इसके बाद उन्होंने खेत में उसे एक पेड़ से बांध दिया और लकड़ी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। जब पीड़ित छात्र ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा उसे पढ़ाई नहीं बल्कि मजदूरी करनी चाहिए। अब यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपियों ने छात्र को सिर्फ इसलिए परेशान किया क्योंकि वह दलित होकर पढ़ाई कर रहा था। आजादी के इतने वर्ष बाद भी कुछ बेहद छोटी मानसिकता रखने वाले लोग आज भी ऐसा सोचते हैं, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। आखिर जब देश का संविधान ही बिना भेदभाव के समाज के हर नागरिक को बराबर का अधिकार देता है, तो ये कौन लोग हैं जो कुछ लोगों को उनके अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। बता दें कि छात्र की मां तरुणा एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करती है, इस वजह से वो सभी मेहसाना में शिफ्ट हो गई। वहीं छात्र के पिता का हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। इस घटना के बाद पीड़ित छात्र टैक्सी करके अपने घर आ गया और उसने एग्जाम भी नहीं दिया। इसके साथ ही मित कुमार ने डर की वजह से इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बुधवार को जब मित कुमार की मां ने उसके जख्म देखे तो सारा मामला सामने आ गया। जब मित कुमार की मां को घटना के बारे में पता चला तो मां उसको लेकर अस्पताल गई और इलाज के बाद पुलिस स्टेशन में FIR करवाई। पुलिस ने IPC के धारा 323, 341, 504, 506 और 114 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में डिप्टी SP RP जाला का कहना है कि चूंकि बस कंडक्टर का हमारे पास पूरा नाम नहीं है और पीड़ित उसे सिर्फ चेहरे से पहचानता है, इसलिए कार्रवाई में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन जांच जारी है, जल्दी आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे। वहीं इस मामले में यह भी सुनने में आ रहा है कि पीड़ित छात्र का ऊंची जाति की लड़की के साथ अफेयर था, जिसके चलते यह घटना हुई है, परंतु पीड़ित की मां ने इसे बिल्कुल इंकार कर दिया और कहा कि उसके बेटे को बदनाम करने के लिए यह अफवाह फैलाई जा रही है। समाज में होने वाले इस प्रकार की घटनाओं से यह पता चलता है कि आज भी हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री सबके हितों और स्वाभिमान की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के राज में इस प्रकार की घटना सामने आई है, जो कि बेहद निंदनीय है। समाज में इस प्रकार के वाक्यों के बार बार होना सरकार का इतने प्रति नरम रवैये को दर्शाता है और अक्सर प्रशासन को भी इन मामलों से अपना बचाव करते हुए देखा जा सकता है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।